सुन बे, मैडम कहाँ है? हाईवे पे चेकिंग कर रही है सर। शिव शक्ति ट्रेवल्स के ओनर डॉन शिवा का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। इस वीडियो को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शिवा ने खुलेआम एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर श्रीनिवास का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। शिवा, तुम फौरन ये शहर छोड़ दो। अगर पकड़े गए तो छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। शिवा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं। सर, बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है तू। ऐसा क्या? हाँ। शिवा, यहाँ बस दो मिनट सर, चिंदी मैटर है। ये तो अपनी बिछाए जाल में फंस गया। शिवा, तूने एक मिलिट्री के ऑफिसर को मारा है। तूने ऐसा सबूत के लिए किया था और उसने मरते मरते अपनी मौत को ही सबूत बना दिया। मैंने कहा था ना, हम छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे बच्चे का फेसबुक पे एक अकाउंट होता है, उस पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आया नहीं कि सब लोग शेयर पे शेयर कर देते हैं। अच्छा सुनो, क्या लगता है इन 10 दिनों में मैं भाभी को बचाने में कामयाब हो पाऊंगा? अब तक के हिसाब से तो तू ही जीत रहा है, बात का पता नहीं। अगर मैंने इसे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दिया तो फिर तो तू शर्त जीत गया। तुम्हारी वजह से मेरा नाम और शोहरत सब चला गया, और उसके साथ साथ मेरा खौफ भी। खोने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तुम्हारे पास परिवार, दोस्त या मिडिल क्लास वाले इमोशन सब हैं। क्लाइमेक्स का टाइम आने में अभी भी 3 दिन का वक्त है। इसका चैप्टर तो अब क्लोज हो गया है, ये जल्दी से बाहर नहीं आएगा। आगे क्या करना है? आज तक भाभी के लिए ड्यूटी कर रहा था, अब भाभी की बताई ड्यूटी करूंगा। ओह, उससे पहले एक जरूरी काम करना है। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपा कर रखा? कहना तो चाहता था पर तुमने मौका ही नहीं दिया। शिवा अरेस्ट हुआ? हो गया। छोटी मालकिन, बोलिए। मिस्टर मुन्ना, मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मैंने आपको बताया था ना, मेरी गर्लफ्रेंड पल्लवी, आप अपनी बहन से बात करके हमारी शादी की सेटिंग करवाई है ना। मैं क्यों करूं, तुम्हारी प्यारी भाभी है ना, तुम बात करो। छोटी मालकिन, दीदी से बात कीजिए ना। मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे लगता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। मेरा भी कुछ वैसा ही है। जब से उसे पहली बार उस बस स्टॉप पे देखा है, उस दिन से आज तक उसी का ख्याल है। आज मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी सिर्फ उसी के लिए है। तनख्वाह में से खर्चे काटकर 6,000 बचेंगे, वो मैं उसी को दे दूंगा, फिर वो जैसे चाहे खर्च कर सकती है। अगर पल्लवी मेरी ना हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। छोटी मालकिन, इतना ही कहना था, आगे आपकी मर्जी। सबूत बहुत पुख्ता है शिवा, बेल मिलना मुश्किल है। केस की अगर हियरिंग हुई तो सजा जरूर होगी। किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ कल से कल बाहर निकालो, उसके लिए जो चाहे करना पड़े करो। अरे सॉरी सर। हाँ, एक्चुअली 10 दिन बाद आने वाला था पर मेरा काम जल्दी हो गया। उस शिवा को जेल भेज दिया और मैं खुद इस जेल में। तुम्हारी भाभी को उन्हें कुछ नहीं पता और उन्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं हो सकता।
बेटी तुम तो बड़े गर्व के साथ कहती थी ना कि तुम्हारा देवर किसी आईटी कंपनी में जॉब करता है, यह अब भी गुंडागर्दी कर रहा है और तुमने इस नालायक के लिए प्रॉपर्टी बेच दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये झगड़े ऐसे खत्म नहीं होते, सिर्फ इसे ही नहीं इससे जुड़े सभी को जान का खतरा है। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालूंगा। एक मिनट रुकिए सर, भाभी मैं आपको सब सच बताता हूं। तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ये सोचकर मैं कितनी खुश थी। तुमने तो मेरी सारी खुशियों को रौंद दिया। कितने अच्छे से रोज ऑफिस जाने का बहाना करते थे, वो सब झूठ था। नहीं भाभी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मेरा भरोसा जीता और खुद ही उसे तोड़ दिया। अब कैसे इन सब से बाहर निकलोगे? अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सर मुझे 2 दिन की छुट्टी और चाहिए थी। तुम यहाँ? कोई नहीं आएगा मेरे साथ। हेलो, यही सोच रहा है ना कि मैं पंछी की तरह आजाद कैसे हो गया? अपना वादा कभी भूलता नहीं मैं। अरे कहां था तू जब तेरी भाभी मेरे चंगुल में थी? आ जा। सुन वे प्यादे, ज्यादा भौंक मत। मैंने कहा था ना तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आज के बाद तू हर एक पल तड़पेगा और पछताएगा। अगर तेरी भाभी को मार देता तो कुछ दिन तू तड़पता और उससे भूल जाता, जिससे मुझे सुकून नहीं मिलता। वो मरेगी और उसकी वजह सिर्फ तू होगा, और पछताता रहेगा कि तेरी भाभी की मौत तेरी वजह से हुई। ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां शुरू हुई। मैंने तेरी भाभी को कहीं छिपा दिया है, और वैसी हालत में पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहेगी। अगर वो मरी तो उसकी वजह सिर्फ तू होगा, क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया। मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि तेरी भाभी कहां है। अगर मैं जिंदा रहा तो किसी ना किसी तरह तू पता लगा ही लेगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो नहीं। नहीं। जीत मेरी होगी। नहीं शिवा, शिवा, शिवा,
हे शिवा, आंखें खोलो डॉक्टर। गोली दिमाग के पिछले हिस्से में लगी है और खून काफी बह चुका है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब हो चुका है। पेशेंट अभी कोमा में है। आप प्लीज पुलिस कंप्लेंट कीजिए। मैंने तेरी भाभी को कहीं छिपा दिया है और वैसी हालत में पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहेगी। अगर वो मरी तो उसकी वजह सिर्फ तू होगा, क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया। सॉरी भैया, सॉरी। अगर वो मरी तो उसकी वजह सिर्फ तू होगा, क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया है।